अपने जो टाइट्रेशन होता है अनुमापन होता है, एक प्रैक्टिकल होता है अपने 11वीं में भी है 12वीं में भी है, नाम क्या है उसका? अनुमापन, इंग्लिश में कहते हैं उसको टाइट्रेशन। क्या कहते हैं सूर्या? टाइट्रेशन। स्पेलिंग क्या होगी टाइट्रेशन की? TRITION। हाँ, कितना होशियार गलत देख के बता रहा है ना। तो ये टाइट्रेशन की स्पेलिंग है। ठीक है, तो टाइट्रेशन में क्या होता है, देखो ये वाला यहाँ पे देखो आप, ये जो स्टैंड है ना, ये वाला इसको बोलते हैं, ये लोहे का बना हुआ ना, ये लोहे का ये स्टैंड लगा हुआ है इस तरह से, इसको बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूरेट स्टैंड। क्या कहेंगे? ब्यूरेट स्टैंड। और ये कहां से लगे हुए ना, ये यहां से लगे यहां पे, देखो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्यूरेट। नाम याद रहेगा सबको, क्या कहेंगे इसको? ब्यूरेट। जैसे बस कहां पे रहती है? बस स्टेशन पे रहती है ना, बस स्टैंड पे रहती है, वैसे ब्यूरेट कहां मिलेगी? ब्यूरेट स्टैंड पे रहेगी। ब्यूरेट स्टैंड याद रहेगा सबको। अब देखो इसके साथ में एक और चीज है, ये वाली, ये छोटा सा है, और देखो ब्यूरेट में भी आपको लिखा हुआ है, यहाँ से नंबर लिखा हुआ है, एक से लेके कहां तक लिखा हुआ, जीरो से लेके 50 तक, और 50 भी किसके है, किसमें है, देखो लिखा हुआ है ये ml में, यानी इसकी जो कैपेसिटी है वॉल्यूम मेजर करने की कितनी की है, 50 ml। इसमें अपन कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक बनेंगे तो 50। और फिर इसके में क्या लगा हुआ, देखो ये इसका स्टॉपर है, जैसे इसको चालू करेंगे तो सॉल्यूशन नीचे आने लग जाएगा, है ना, इसको बंद करेंगे तो वापस नीचे जाना, जैसे अपने घर पे टोटी होती है ना पानी की, वैसे है ये छोटी सी, देखिए ऐसे घड़ी की दिशा में तो ये बंद होता है, है ना, और घड़ी की उल्टी दिशा में चालू होता है, याद रहेगा डायरेक्शन। और कोई भी केपी पे लेंगे तो वो बूंद बूंद करके लेना है, ऐसे नहीं पूरा चालू कर दो आप ऐसे रीडिंग को, ठीक है। और जैसे आप जैसे जैसे चालू करोगे वॉल्यूम यहाँ पे, वॉल्यूम नीचे की तरफ आती जाएगी, है ना। जैसे मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे 8 ml खाली हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि उस एक्सपेरिमेंट में हमने ये केमिकल कितना काम में लिया, 8 ml, जितना खाली होता है उतना हमें उसमें काम में लेता है ना, जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें ये वैल्यू काम में लेंगे। अब अपने पास जो दूसरा है ये दिख रहा है आपको, क्या नाम है बदल इसका बताओ, इसको बोलते हैं अपन पीपीएल। इसका नाम लिख दिया सबने, ऐसा बना दो, ये है पीपीएल और ये ब्यूरेट स्टैंड। स्टैंड बना दिया सबने, फटाफट बना दो, ऐसा एक लाइन की इसको लिख देना, ये ब्यूरेट स्टैंड है, ये ब्यूरेट है। क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रही, चलो हो गया सबके, यस सर। अब इसका नाम क्या है, देखो ऐसा बनाओ, एक छोटा सा बनाना है आपको, एक छोटी सी नली बनाओ और बीच में से क्या करना है आपको, थोड़ा सा बड़ा बनाना है इसको, दिख रहा है ये? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ml। अरे देखो इसके बीच में वैल्यू लिखी हुई होती है, देखो कितनी दिख रही है आपको ये, अरे ऊपर वाला है इसमें 20 ml, यानी इसके कैपेसिटी कितनी है 20 ml, इससे अपन मेजर कर सकते हैं, कोई कुछ दिख रहा है ये 20 ml, ये 20 ml के पीपेट है, ठीक है। अब देखो ये काम क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन है हमें अगर 20 ml लेना हो तो उसको मेजर करने में, उसको मापने में ये काम है। अब इसको काम में कैसे लेते, सोचो आप कोई बता सकता है इसको कैसे काम में ले, हाँ तो बताइए, बता मिसर में हाथ चाहिए कर, कौन बता रहा है, गोकुल बता इसको कैसे काम में लेते हैं, इसमें भरेंगे कैसे भी बताओ आप, तो नीचे निकल जाएगा ना ये, इसको ऐसे मुंह में सक करते हैं, मुंह में लगाना है, करके बताओ सर, उसमें पानी का पिक्चर में इसको दो दे पहले, हम कर दो ले उसको पहले, फिर यहाँ पे ला, यहाँ पे रख उसको, हाँ दूर है ना, एक बार चालू करके दोनों नल में पानी आता है, किससे भी दो तुम, कहाँ पानी वाला बिकर,
देखो अब क्या करना है, यहाँ से मुंह लगाना है तुझे, मुंह से सक करना है। कहाँ तक ये देखो एक निशान बना हुआ है इस पे, ये दिखा ये छोटा सा निशान, यहाँ तक है ना, मुंह से खींचोगे और जैसे खींचोगे देखो ज्यादा है जो, तो ऊपर हाथ लगा देना है अपने को, हाथ लगाने से वहीं पे रुक जाएगा ना, थोड़ा सा हाथ आप गीला छोड़ोगे तो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आएगा और यहाँ तक रखना है। चलो कर प्रैक्टिस, फटाफट मुंह से हटा क्या, आड़ा हाथ लगाना, लगा लगाओ फटाफट। हाँ देखो, अब देखो इसने बनाई है, यहाँ तक आया है, अब धीरे धीरे हाथ छोड़ और यहाँ तक लाना है। अरे ज्यादा हो गया, वापस ले जो निशान है वहां तक लेंगे तो कितने ml होगा, ये 20 ml लगा। अब धीरे धीरे छोड़ना, हाँ अरे स्पीड कम रख तेरे बाइक की, थोड़ा और छोड़, हाँ धीरे धीरे जाना, रुक जा भाई। बस देखो अब इसने जो मेजर किया है, ये जो लाइन है वहां तक किया है ना, तो कितने एमएल हो गया ये, 20 एमएल। अब इस क्या करेंगे, इस केमिकल को हम किसी बीकर में ले लेंगे, किसी फ्लास्क में ले लेंगे और हम हमारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, ऐसे काम में लेंगे। अब कोई और करना चाहता है प्रैक्टिस? नहीं, तू आ जा, लेना आ जाओ शंकर, अरे सबको करना पड़ेगा, ये अभी प्रैक्टिकल करना है। चलो पहले पानी से प्रैक्टिस कर लो, खाली कर दे इसको, पानी से इधर आ लेना, तू आ जा, ले इसको, ले इसको, दो दे इसको, दे दे, पता चल गया ना सबको करना कैसे है। यस सर। और सबको ये प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल तो सबको करना पड़ेगा ना। यस सर। और मेन चीज क्या है, आप देखो पानी मुंह में ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपको केमिकल सक करोगे ना तो वो मुंह में नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। अगर मुंह में गलती से चला भी जाए तो कुल्ला कर देना है, साफ पानी से दो तीन बार कुल्ला करोगे तो साफ हो जाएगा, ऐसा करना है, ठीक है। चलो डरना बिल्कुल नहीं है ना, पानी है ये तो। वापस लो, कल पे इसको बोल, नहीं नहीं 5 मिनट 7 टेम्परेचर से ऐसा दिखना नहीं सर, सर कितना हुआ, कहाँ तक है, हाँ अब धीरे धीरे छोड़ो, यहाँ तक इस निशान तक आना चाहिए, धीरे धीरे स्पीड कम रख छोरी साइकिल की, अरे ज्यादा हो गया, वापस ले, अरे वापस डिस्ट्रॉय, अगला नंबर सब ला का है। हाँ तेरे यहाँ यहाँ पर ही है, धीरे धीरे छोड़, धीरे से एक साइड, अरे वापस ले, इसके बराबर रखना चाहिए, धीरे से छोड़। देखो ये चीजें है ना, आप इसके लिए हंस रहे हो लेकिन आपके साथ भी यही होगा, ये प्रैक्टिस करने से सही हो सकता है ना, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। धीरे से हवा निकालनी साइड से थोड़ी सी, चलो भाई इससे तो कोशिश करिए, पर नहीं हो रही है, चलो सब ला जाओ, आजा फटाफट, इतना आसान काम भी देखो आपसे नहीं हो रहा है, जब कोई एसिड लेना पड़ेगा तब फिर मजा आ जाएगा आपको, है ना, मुंह में खींचना पड़ेगा। हाँ किसी को प्यास लग रही हो तो पानी ऐसे पी भी सकता है वो। कहाँ तक है सबला, अरे यहाँ तक आ गया, धीरे से छोड़ना है वो पानी, बस देखो थोड़ा सा कम है पर ठीक है, देखो इससे हो गया, दो बार में सही हो गया है ना, दिख रहा ना, देखो यहाँ तक है ये, तो अब किसमें कितना वॉल्यूम आ गया, इसमें 20 ml आ गया, ठीक है। चलो कल्पेश तू आ जा एक बार, फटाफट करिए 20 ml ले, पानी बदले भी करे,